हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं दो चाइनीज़ सुपर लीग के बीच टीम्स के बीच में जो मैच है। देखिए, पहली बात हमें ये समझना होगा कि ये दोनों ही टीम्स जो हैं वो चाइनीज़ सुपर लीग में खेलती हैं, और चाइनीज़ सुपर लीग में बहुत अलग किस्म के टेबल होते हैं, टेबल ए, टेबल बी। और ये समझना बहुत आपको कन्फ्यूजन सब कभी कभी हो सकता है, तो हम आपको थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे सकता हूँ कि प्लेऑफ्स के रेलीगेशन में जो टीम्स हैं वो ये दोनों टीम्स हैं अनफॉर्चुनेटली। और अगर और ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई ना कोई ज़रूर रेलीगेट होगा, हालांकि हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा प्लेयर, कौन सी टीम कितना अच्छा खेल रही है। तो चलिए, रेलीगेशन बैटल में अगर बात करें तो रेलीगेशन बैटल में 8 क्लब्स हैं, जिसमें नंबर 2 पोजीशन पर हेनन जिनाए है जो होम टीम है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्हीं के घर पर मैच है और टीम वो अच्छी है, बेटर टीम है। क्योंकि टीएनजे अगर आप उसी की बात करें तो उसी में 8वें में से 7वीं पोजीशन रेलीगेशन बैटल पे टियानजिन टेडा है। तो देखिए, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा, दोनों टीम्स के बारे में क्या है, कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं, क्या इनके मैचेस रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आप अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली बात यह है कि इनकी इतनी कवरेज नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसमें काफ़ी रिसर्च करके आपको बताया। पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा प्लेयर्स, क्योंकि मैं कई कई प्लेयर्स के पॉजिटिव नेगेटिव, टीम कितने गोल स्कोर करती है, कितने खाती है, पूरा सुन के उसके बाद ही निर्णय लेके जब लाइनअप्स अनाउंस होंगे तब भी टीम बनाएंगेगा। देखिए, जैसे ही लाइनअप्स अनाउंस होंगे हम लोग आपको टीम बनाएंगे, लेकिन हम आपको बोलेंगे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करें, बिकॉज कभी कभी ऐसे मैचेस में ड्रीम इलेवन लास्ट के 15 से 20 मिनट में ही लाइनअप्स अनाउंस करता है। तो उस समय मे बी आपके पास टीम सिर्फ 10 मिनट पहले आए, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपके पास वो नोटिफिकेशन बेल आइकन का ऑन हो, ताकि आप वो टीम बना सके जब हम शेयर करें। तो देखिए, पहली बात है जो इसके ऑड्स हैं, अगर आप bet365 या बाकी बेटिंग साइट्स पे देखें तो होम टीम इज़ फेवरेट, 2.1 उनके बेट्स हैं जीतने के, और अवे टीम के 3.2 है। तो इससे हमें अनुमान होता है कि होम टीम इसमें क्लियर फेवरेट है। अगर आप हेनन सोंगशेन की बात करें, जो होम टीम है, इन्होंने लास्ट के 10 मैचेस में से 4 गेम जीते हैं, 2 गेम ड्रॉ किए और 4 गेम हारे हैं। लेकिन आप अवे टीम की बात करें तो उन्होंने 2 गेम जीते हैं, 2 गेम हारे हैं और 2 गेम ड्रॉ किए और 6 गेम हारे हैं। तो टियानजिन जिनमिन टाइगर्स जो अवे टीम है वो थोड़ा सा खराब खेलता है एज़ कम्पेयर टू हेनन। हेनन ने लास्ट के 10 मैचेस में, देखिए, ये ज़्यादा गोल स्कोर और कंसीड भी कम ही करते हैं, अगर आप इनकी बात मैं इनकी बताऊँ तो, क्योंकि हेनन जिया ने 13 गोल किए, 15 कंसीड किए, तो ज़्यादा गोल भी नहीं किए लेकिन ज़्यादा खाए भी नहीं है। वहीं पर टियानजिन ने 12 गोल किए लेकिन 30 गोल्स इन्होंने कंसीड किए, मतलब हर मैच में औसतन 2 गोल खाए हैं। तो अवे टीम थोड़ा एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलता है और गोल खाता भी है। तो आप सोच लीजिए कि जो हेनन सोंगशेन है उनके पास एक सुनहरा मौका है इसमें गोल स्कोर करने का, और हमें लगता है कि इसमें गोल स्कोर हेनन जो है वो करेगा काफ़ी। तो चलिए, हम लोग अपने स्कोर प्रेडिक्शन आपको बताते हैं। हमारे हिसाब से जो ये मैच रहेगा, जो हमें लगता है विद ऑल द सेंसेस एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू द ओपोनेंट, आई थिंक हेनन सोंगशेन इसमें 3 या 2 गोल करेगा और टियानजिन शायद 1 गोल कर ले। तो चलिए, हम बात करते हैं कि इनके टॉप प्लेयर्स कौन से हैं, क्या इनके रिजल्ट्स रहते हैं, कौन क्या है। तो देखिए, जो टॉप प्लेयर्स हैं हेनन सोंगशेन के, वो हेनरी के डोराडो है। देखिए, डोराडो अगर आप इनके स्टैट्स के बारे में पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने अच्छे प्लेयर हैं, इवन दो ये दोनों ही टीम्स रेलीगेशन बैटल में, लेकिन हमें इनमें से चूज़ करना है। हेनरी के डोराडो 32 वर्षीय ब्राज़ीलियन फॉरवर्ड हैं जिनके पास 5 गोल हैं। ये टीम के डेजिग्नेटेड पेनल्टी टेकर भी है, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो ये रहे, हमने इनको लिया हुआ है। वहीं पर अब और प्लेयर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैरेंगा भी स्टार्ट करते हैं। कैरेंगा ने 2 गोल 1 असिस्ट किया है। अब आप क्रूज या कैरेंगा में से किसी को भी ले सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद जो स्टार्ट करेगा वो जाएगा टीम में, क्योंकि कैरेंगा, पहले मैं होम टीम की ही बात कर रहा हूँ, आपके होम टीम के बेस्ट प्लेयर कौन सा वो समझ लीजिए, बाद में हम अवे टीम की बात करेंगे। उसके अलावा देखिए, मैंने बॉक्सवान फेंग को लिया। देखिए, बॉक्सवान फेंग ने लास्ट गेम में काफ़ी चांसेस क्रिएट किए थे। इन्होंने भले ही अभी 1 असिस्ट किया हो वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फेन बॉक्सवान ने 23 क्रॉसेस किए हैं, जिसका मतलब इनके पास काफ़ी चांसेस होते हैं क्रिएट करने के चांसेस। 17 टैकल किए, देखिए ये बड़ा ज़रूरी है आपको जानना, 17 टैकल हाईएस्ट हैं। तो फेन बॉक्सवान ने सबसे ज़्यादा 17 टैकल किए हैं अभी तक अपने टीम के लिए, और 14 इंटरसेप्शंस किए हैं। तो 100% आप इनको ले लीजिए अगर लाइनअप अनाउंस होने के बाद इनका नाम आता है तो।
वहीं पर आप बात कर रहे हैं हम दूसरे प्लेयर की, जो कि है वैंग शेंगुआन। ये चाइनीज मिडफील्डर भी हैं, अटैकर भी खेलते हैं, लेकिन इनके साथ क्या है ना, इनके शॉट क्रिएटिंग एक्शन अपनी टीम के लिए हाईएस्ट है। इन्होंने 44 क्रॉसेस किए हैं जो कि शॉट क्रिएटिंग एक्शंस के बहुत अच्छे हैं, और एक गोल भी 10 मैचेस में किया है। इनको आप ज़रूर लीजिए क्योंकि इनके अगेंस्ट जो डिफेंस है वो बहुत ख़राब है। डिफेंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए पिछले मैच में मेलविन नियाज़ ने स्टार्ट नहीं किया था। मेलविन नियाज़ प्लेयर बड़े अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनके आप अगर स्टैट्स वगैरह भी देखो तो इन्होंने एक असिस्ट किया है अभी तक 13 मैचेस में, लेकिन मेलविन नियाज़ ने 21 क्रॉसेस, 13 इंटरसेप्शन और 10 टैकल जीते हैं। तो ये लास्ट गेम में तो बेंच से उठकर आए थे, लेकिन आप अगर देखें इनकी परफॉर्मेंस जो 2-4 महीने पहले थी तो इन्होंने असिस्ट किया था, तो उस पे मत जाइए, लेकिन ओवरऑल भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मानी जाती है। वहीं पर सुनिचिच को हमने लिया, देखिए सुनिचिच जो है, सुनिचिच ने सबसे ज़्यादा टैकल्स, जॉइंट टैकल्स जो फेंग बॉक्सवान के बाद बताया कि इन्होंने भी 17 टैकल्स किए, उन्होंने भी 17 किए। इनके इंटरसेप्शन सेकेंड हाईएस्ट है टीम के लिए जो कि हैं 18, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टैट है और आप इनको ज़रूर टीम में लीजिए। ये बात हुई होम टीम की, चलिए अवे टीम के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं आपके आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्लेयर्स बड़े अच्छे जैसे माना जाता है, जैसे डुन बा है। बा जो है हर गेम में स्टार्ट करते हैं जो भी अपनी टीम के लिए खेलते हैं, ये तियानजिन के लिए 1 गोल 2 असिस्ट किए हैं, अच्छे प्लेयर हैं, इनको ज़रूर टीम में लीजिए अगर जैसे लाइनअप से नाम सुनने के बाद अगर होते हैं तो। वहीं पर एक प्लेयर जैसे अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया लेकिन मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्रूज़, मैग्नो क्रूज़ ने 2 गोल 2 असिस्ट किए हैं और ये डेजिग्नेटेड पेनल्टी टेकर हैं। ये और जो मिडफील्डर की मैं बात करूँगा इलोकी की, वो फ्रेंच मैन जो हैं, ये दोनों पेनल्टीज लेते हैं, तो इनको ज़रूर लीजिए अगर लाइनअप अनाउंस होने के बाद इनका नाम आता है तो। यहाँ पर इलोकी की अगर मैं बात करूँ, देखिए 3 गोल किए हैं जिसमें से 2 पेनल्टीज थी, प्लेयर बड़े अच्छे हैं, 4 गेम स्टार्ट किए हैं, शायद ये गेम स्टार्ट करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। वहीं पर वेजिनोविच ने लास्ट गेम में स्कोर किया था। अब कमाल की बात है, सिर्फ 1% लोगों ने लिया हुआ है जबकि इन्होंने स्कोर किया था। ये नेदरलैंड्स के मिडफील्डर हैं, पहला गेम खेले हैं अपनी टीम के लिए, इस टीम के लिए, और पहले गेम में ही गोल स्कोर कर दिया है। अच्छी बात है कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, सिर्फ 1% लोगों को पता, आप इनको ले लीजिए, आपके लिए एक अच्छा डिफरेंशियल पिक हो सकता है। डिफेंडर्स में देखिए यूई माओ को बहुत लोगों ने लिया है, हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, 12 में से 11 मैचेस स्टार्ट किए हैं, 1 असिस्ट अपनी टीम के लिए किया है, और आइए अब इनके डिफेंसिव स्टैट्स में भी नज़र मारते हैं। तो यूई माओ ने सबसे ज़्यादा 10 टैकल अपनी टीम के लिए जीते हैं, इसीलिए टीम में जगह दी है। इंटरसेप्शन 15 किए, क्रॉसेस 9 किए, बहुत ही बेहतरीन स्टैट है ये इनके भी, इसीलिए हमने इनको लिया है। और अगर हम कीपर की बात करें तो कीपर हमने जिंकवी को लिया है। देखिए जिंकवी ने लास्ट गेम स्टार्ट किया था, हमें लगता है वो भी स्टार्ट करेंगे, और होम टीम बहुत चढ़कर खेलेगी तो शायद इस वजह से बहुत पॉइंट्स इनको आ सकते हैं। अभी हमने ये टीम बनाई है जिसमें हमें लगता है कि दोनों टीम्स गोल स्कोर करेंगी। इस मैच की प्रेडिक्शन 3-1 होम टीम के नाम पर हमें लगती है, उल्टा भी हो सकता है, चाइनीज लीग है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये हमारी बेस्ट ऑफ दी एबिलिटी जितनी हमें अंडरस्टैंडिंग है हमने आपको बताई है। लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद कोई प्लेयर अगर और स्टार्ट करेगा, इसमें कोई चेंजेस होंगे, कोई नहीं करेगा तो वो भी हम आपको बता देंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और बाकी ड्रीम 11 टीम्स के लिए भी हमें देखते रहिए। धन्यवाद।